एक मिनट पहले आईडी नहीं दिखा भाई, भाई आईडी भाई बड़े भाई एक मिनट, ये फोर्स आईडी कहाँ है भाई साहब, भाई साहब आईडी तो दिखाओ यार, नो बता जो हमें मोल लेके रहे क्या, धोनी लेके रखे, मोल लेके रहे, धोनी लेके रखे, प्रेस समझने प्रेस गोज रखेंगे यार, यार तो दिख रहा है सर, वॉलेट तो जब जेब रखो, वॉलेट तो जेब में रखा हूँ, सीधे पहाड़ से करी नहीं लगता यहाँ पे शेर की दहाड़ से, सीधे पहाड़ से, सीधे पहाड़ से ठंडी सी पे जाए ना ये फिसले मेरे हाथ से। So what's up guys, कैसे हैं आप लोग, this is your Dipanshu Hills, welcome back to our channel once again। तो भाई दिल्ली के सड़कों से मोटर व्लॉग करते हुए दीपांशु हिल्स दोबारा से आ चुका है, मतलब समझ रहे हैं, मतलब साल का पहला हमारा व्लॉग ये चालू हुआ है, और आज का सीन कुछ ऐसा है कि भाई KTM ने ऑर्गेनाइज करा एक ट्रेल राइड, दिल्ली में पहली बार हो रही है, तो भाई हमें इन्विटेशन आया था तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको भी लेके जाया जाए और दिखाया जाए। लो जी सुबह सुबह जोश देख लो, साइकिलिस्ट साइकिलिंग कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं राइड पे, आज संडे राइड कर रहे हैं, पता नहीं कितने जमाने बाद, बाकी फ्यूल भरवा लेते हैं एक बार, फुल कर दो फुल, ओ हाँ ऐसे रखो भैया, झुकाओ मत, सोनराज जी हम लोग पहुंच चुके हैं बग्गा लिंक KTM साउथ दिल्ली इंडिया। तो भाई आज की जो राइड है वो होने वाली है ट्रेल राइड और दिल्ली में पहली बार हो रही है, बाकी भाई ही इज द मैनेजर एंड ही इज द ट्रेनर, मतलब आज आर यू एक्साइटेड? या तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा होने वाला है ना कि हम लोग करने वाले हैं ऑफ रोड, मैं पानीकोट पहले भी जा चुका हूँ बट प्रोफेशनल के साथ जाने में एक अलग ही मज़ा है, तो भाई जाते हैं और जैसा भी एक्सपीरियंस होगा आपको दिख ही जाएगा। बाकी भाई सही है, मौसम काफ़ी सही है, फॉग नहीं है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि फॉग नहीं है, बाकी चलते हैं फटाफट से, और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है तो ब्लॉगिंग करने में मेरे को थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है, समझ रहे हैं मतलब नूब। सो बेसिकली भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और भाई साल की पहली राइड है मेरी स्पेसिफिकली, तो भाई आई एम वेरी एक्साइटेड राइट नाउ, और भाई हैप्पी न्यू ईयर सभी को बिकॉज पहली वीडियो है इस साल की, तो भाई बाकी हमारे 15,000 कंप्लीट हो चुके हैं सब्सक्राइबर्स, सो भाई एक एक बंदे को थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं तहे दिल से। बाकी भाई फटाफट चलते हैं, लोग नीचे हमारा वेट कर रहे हैं, मैं अभी वॉशरूम आया था ऊपर, तो फटाफट चलते हैं नीचे और मिलते हैं। जो करना है वही करना है। तो जी होगी फॉर्मेशन चालू, बाकी टाइम हो चुका, 9 बज गए, देखो 8 बजे का बोल के 9 बजा दिए, बताओ क्या मतलब होता है ये, देख रहे भैया साला ऐसे ग्रुप में डर ये रहता है एक बंदा भी गिरा ना, बस दूर लेके चलाना पड़ता, थोड़ा दूर रखो वही बैठो भाई, ऐसे ग्रुप में चलने का सिर्फ एक फायदा होता है, लोग तो ऐसे देखते हैं ना भाई साहब की जैसे आफत। बाकी भाई एक सवाल है हमारे मन में कि जो मतलब जो ये ट्रेनर है ना अंग्रेज, ये जो अंग्रेज आया हुआ है इसने मास्क नहीं पहना हुआ हेलमेट के अंदर, अभी कट जाएगा 2,000 रुपए का चलान बेचारे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हंसना होगा, ऐसा हो गया ना भाई क्या मजा, हंसूंगा ना मैं पागलों की तरह भाई, सोच सोच के भी हंसी आ रही है भाई। आज तुम्हारा भाई थोड़ी सी बकचोदी के मूड में, आज बकचोदी करेगा तुम्हारा भाई सबसे, भाई ऐसे ही रुकते रुकते नहीं है, कुछ बोलते कुछ करते कुछ है। अरे के अच्छा पास में ही रहते हो, तो भाई भाई को आपने देखा होगा जेट टोकस JS फिल्म्स की वीडियो में बहुत पहले आते थे, और बढ़िया बंदे भाई, इनसे मिला हूँ पहली बार जिंदगी में और इतने खुश दिल बंदे ना, मजा आ गया मिलके भी। लेकिन देखो ऐसा है ना कभी कभी ग्रुप राइड करने में भाई एक बात तो है, मजा तो आता है क्योंकि फॉर्मेशन जो होती है ना वो काफी सही लगती है देखने में तो ऐसे, और कंटेंट वंटेंट भी मिल ही जाता है, एक आधा बंदा गिर जाएगा तो थंबनेल मिल जाएगा, बाकी तो खैर क्या ही है, मजाक कर रहा हूँ मैं तो नहीं चाहता कोई गिरे ऐसे। सोलर गाइज एक बार लाइनअप देख लो आप लोग, ऐसे लाइनअप वगैरह सही लग रहा है, मतलब देख रहे हो भाई साहब, टू मैनी KTM टू मैनी एडवेंचर्स, इट लुक्स गुड एक्चुअली। अभी हेट कर बने का फैन कल, ऐसा रैप कर लगेगा बैन कल, गलत दिशा में जो गया उसका मुड़ा एंकल, गानों में लॉस है दो मुड़ा ट्रायंगल, सब करो बाउंस बाउंस बाउंस, फक ऑल द क्लाउड्स बाउंस बाउंस, शी इज इन टाउन अप एंड डाउन, सब करो बाउंस बाउंस बाउंस, फक ऑल द क्लाउड्स बाउंस बाउंस, शी इज इन टाउन बाउंस बाउंस।
चलो जी अब थोड़ा सा फन करने का टाइम आ चुका है। अब हम लोग निकल चुके हैं, मतलब जितनी भी ट्रेनिंग थी सब कंप्लीट हो चुकी है। मतलब उन्होंने सिखाया हमें कि कैसे ब्रेक मारने हैं, कैसे डाउनशिफ्ट करना है, कैसे अपशिफ्ट करना है, एंड एवरीथिंग जो भी एक ट्रेल में ज़रूरत होती है। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपनी लोकेशन की तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ, जो है पानीकोट लेक। अब बाकी पता नहीं कौन से रास्ते से लेके जाएंगे। जब मैं ड्यूक पे व्हीली करता था ना, ड्यूक पे व्हीली करता था, वो इतनी प्यार से लगती थी। इसमें ना कैसे हुआ था व्हीली, कट ऑफ नहीं हुआ था तेरा अभी? हुआ था, होता है थोड़ा बहुत होता है। ये देखो वो ना अपने आप डाउन हो जाती है। तो भाई बकचोदी ऐसी चली हुई है, सच बताएं तो आपको। कुछ किलोमीटर चलते हैं, कुछ राइडर पीछे रह जाते हैं, उनका वेट करना पड़ता है। कुछ किलोमीटर चलते हैं, फिर वही सीन। जय भाई, क्या हो रहा है भाई आपके राज में, क्या हो रहा है? राज यहाँ नहीं चलते ना, राइड कभी भी ग्रुप राइड हो ना, और वो भी कोई ऑर्गेनाइजर कर रहा हो जैसे कि शोरूम, उस पर बिल्कुल मत जाना, कभी मत जाना, तंग हो जाओगे भाई, कसम से कह रहा हूँ। सच बात है, सिर्फ एक वो मिलेगा कुलचा खाने के लिए, या एक वो कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी इससे ज्यादा। और हम तो खाने के लिए आते हैं भाई। सो फाइनली वी आर लीविंग द मेन रोड एंड अंदर जा रहे हैं कच्चे रास्ते पे। बकचोदी होगी कच्चे रास्ते पे थोड़ी सी, हमारे अंग्रेज अंकल हमें लीड करेंगे, हम पीछे पीछे चलेंगे। भाई एडवेंचर का यही तो मज़ा है भाई, सच बताऊँ तो। सारा अभी मुँह मिट्टी, सब ऐसे मिट्टी मिट्टी घुस जाएगी अभी देखना। भाई मज़े तो मार रहे हैं अंग्रेज अंकल चले हुए हैं सबसे आगे, उनको मिट्टी का कोई डर नहीं है। अब हम चले हैं सबसे पीछे, मतलब पीछे तो नहीं, खैर राइडर के पीछे हम लोग। ये देखो कितनी मिट्टी उड़ेगी अभी, मिट्टी मिट्टी सब हो जाएगा। हमारी बाइक जितनी साफ थी सभी ऐसी गंदी वंदी हो जाएगी हमारी बाइक के। मस्त आई नो मैनी ऑफ टेक्निक्स ऑफ रोड में, मेरे को बहुत चलाने की अच्छी आदत है, तो मैं तो काफ़ी अच्छी स्पीड कर लूँगा आई नो। बस काटो वाटो से बचने की ज़रूरत है यहाँ पे। भाई झूठ नहीं बोलूँगा, पता है एडवेंचर का ना यहाँ पे चलाने में बहुत मज़ा आता है। इट्स वेरी सिंपल, पता है अगर मतलब ऑफ रोड करना है ना तुम लोगों को, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ओह डोंट स्टॉप। भैया जी की वजह से हम लोगों को रुकना पड़ गया और हमारा मोमेंटम लूज़ हो गया। ऑफ रोड में अगर चोट लगती है तो बहुत गंदी लगती है, क्योंकि और बाइक भी बहुत जल्दी कंट्रोल खोती है, बिकॉज सब जगह ऑफ रोड है, कहीं पे ट्रैक्शन नहीं होता है, तो बाइक पे ब्रेक भी नहीं कर सकते हो, पैनिक ब्रेकिंग नहीं हो सकती है, हो सकती है बट स्किल्स चाहिए ब्रो, स्किल्स आर इम्पोर्टेंट। और भाई अगर तुम्हें पतला हो ना, ट्रस्ट मी ट्रेल करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज यहाँ पे बॉडी जो थकती है ना, बिकॉज कंट्रोलिंग योर बाइक वो भी ऐसे टेरेन में ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ काफ़ी बॉडी ऐसे मूवमेंट में रहती है तो बहुत मज़ा आता है। और ब्रो इजी, अभी बंदा गिरता मेरे आगे वाला। गेम्स ऑन सेफ वाइट एरिया, यू विल फील व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। हां जी बोलो ना, एवरीथिंग इज फाइन। यप एक मिनट पहले आईडी दिखाओ ना, कोई बात नहीं। अरे आईडी दिखाओ भाई, कोई बात नहीं। आप आईडी का है,
जूते देखो इनके, आईडी कहाँ है, पुलिस का हाल है, आईडी कहाँ है भाई साहब, कहाँ है, मत करो यार आईडी, भाई साहब आईडी तो दिखाओ यार, नो बता जो हमें मोल लेके ना, क्या मोनी लेके रखे, मोल लेके रहे, मोनी लेके रखे, प्रेस प्रेस समझा नहीं, प्रेस गोज में रखेंगे यार, सर वॉलेट तो जेब में रखना, वॉलेट तो जेब में रखना, देखो मैंने तो उतार तो कुछ कहीं भी नहीं बना, लेवने वीडियो अपना कोई दिक्कत, हम नियम तो सबकी बना रहे हैं, अफसर ना वहीं कह सकते हैं, एक तू बता दे तो पढ़े लगे यार, अफसर को हम बोल सके हैं कुछ भी, पता नहीं सर, अफसर से बात करो, हम थोड़े कटेंगे यार, तभी तो भाई सीन कुछ ऐसा हुआ था कि जब हम लोग पानीकोट लेक पहुंचे थे तो भाई हम लोग सभी ऐसे बाइक पे खड़े होकर सब लोग बातें बातें कर रहे थे, एंड देन हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह करने का सोचा था जो कंपनी की तरफ से था, इवेंट की तरफ से था, हम जो हमें लोगों को सैंडविचेस दिए गए थे खाने के लिए वो हम लोग खाने ही जा रहे थे, तभी एक पुलिस वाला आया और बहुत ही गुस्से में ऐसे बोलने लगा कि भाई सबकी बाइक इम्पाउंड कर दूंगा और सब पे केसेस करूंगा, मुकदमा करूंगा, जो उसने एग्जैक्ट वर्ड यूज किया था, सब अपने अपने लाइसेंस जमा करा दो, थाने से ही मिलेंगे, सबको थाने लेके जाऊंगा, एंड इट वाज लाइक वेरी एंग्री, मतलब उसका मेन सीन था कि बस इनको डरा देना है किसी भी तरह से। तो भाई स्टार्टिंग में हमें भी लगा कि वो पुलिस वाला ही है, बट जब हम लोगों ने उसे ढंग से देखा कि भाई वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में भी नहीं है, मतलब ही वाज वेयरिंग स्पोर्ट्स शू, नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे उसने, और उसके साथ जो दोनों बंदे थे उन्होंने भी शूज प्रॉपर नहीं पहने हुए थे, वो लोग अपने ड्रेसेस में नहीं थे, तो हमें थोड़ा सा शक हुआ और हमें लगा कि वो पुलिस वाले नहीं है, देवर स्कैमर्स ऐसे हमें लगा। देन सडनली हमारे बीच में एक भैया थे जो मतलब ऐसे खड़े हुए और भाई उन्होंने बोला कि अपनी आईडी वाइडी दिखाओ, तो दे डोंट हैव देयर आईडीज, तो उनके पास अगर आईडी नहीं थी अपनी तो हमें और शक हुआ, बिकॉज अगर उनके पास आईडी नहीं है, वो अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं है, तो हमें लगा कि शायद से कुछ तो पंगा है भाई। उसमें से जो एक बंदा था जो पतला सा लड़का था जिसके आईडी हम लोग मांग रहे थे, वो भाग गया कि मैं फोर्स बुलाऊंगा, ये बुलाऊंगा, वो बुलाऊंगा, तो हमारे जो भैया थे उन्होंने बोला कि अगर मैंने फोर्स बुलाई तो दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसे करके थोड़ी सी लड़ाई बढ़ गई, एंड देन वो थोड़ा डर गया और साइड में चला गया, लेकिन उसमें से जो दो बंदे थे वो बोल रहे थे कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप यहाँ पर रुको, आप आराम से अपना टाइम स्पेंड करो, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। अगर वो तो हमें थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये लोग स्कैमर्स थे आई थिंक, अगर स्कैमर्स नहीं होते, अगर रियल पुलिस होती तो वो वापस रिएक्ट करती हमारे रिएक्शन पे, अगर वो चीज़ इलीगल होती तो हम पे एक्शन उठाया जा सकता था और वो उठाते, तो हमें लगा कि दे वर स्कैमर्स। तो भाई अगर आप लोग पानीकोट लेक जा रहे हो तो भाई देख लेना, बी अवेयर, क्योंकि भाई ये लोग स्कैमर्स का जो मेन मोटिव होता है यही होता है कि जो लोग वहां पे आ रहे होते हैं उनसे पैसे ऐंठने किसी भी तरह उन्हें डरा के, तो प्लीज अगर आप वहां पे जाते हो और स्टिल आपसे कोई बकवास करता है या कुछ भी पूछता है तो प्लीज आप उनकी आईडी प्लीज मांग लेना, बिकॉज वो लोग स्कैमर्स भी हो सकते हैं। बस भाई इतना ही बताना था इस वीडियो में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज योर दीपांशु हिल्स, बाय बाय। बाकी एक और चीज की ट्रैवल स्टार्ट होने वाला है। The guy from the hills, they be talking about my skills, and my flow will give you chills, breaking records with the deals. I'm the guy from the hills, they be talking about my skills, cooking verses on the hills, on your music.